बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप लोगों का होम मेड कुकिंग विद नाना फूड में। आज हम किचन में बना रहे हैं दही बड़े, और इफ्तारी के लिए ये तो मस्ट है। तो ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैंने बलियाँ ले ली हैं, बॉइल की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पाव के लिए ऐसे बलियाँ ले लेनी है, ठीक है, हो गया। उसके साथ ही हम लोगों ने बॉइल किए हुए आलू ले लेने हैं, ठीक हो गया। यहाँ मैंने आलू ऐड कर लिए हैं। आलू ऐड करने के साथ ही फिर हम लोगों ने वेजिटेबल जो है ना वो ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल लिया, अनियन लिया हुआ है, ठीक है, वो प्री प्री कट किया हुआ था। उसके साथ मैंने ककम्बर लिया हुआ है, वो कट किया हुआ था। और इसमें आप बंद गोभी जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब ऑप्शनल है। अब इससे मैंने टमाटर जो है ना वो ऐड कर दिए हुए हैं। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसको मिक्स करें, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया माशाल्लाह से। अब इसके साथ हम लोगों ने पुदीने की चटनी, अच्छा वो मैंने अपने चैनल में शेयर की हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पुदीने की चटनी जो है ना वो मैंने ऐड कर ली हुई है। इसके साथ चाट मसाला, चाट मसाला जो है ना मैंने वो ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करें, और तब तक आप लोग चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलें जी, अब मैंने चाट मसाला जो है ना वो ऐड किया, उसमें मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद हमने इसमें दही जो है ना वो ऐड कर देनी है, ठीक है। दही ऐड की और इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ मिक्स करने के साथ ही फिर हम लोगों ने और भी इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताती हूँ वो ऐड करेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे और यमी लग रहे हैं। और ये अफ्तार स्पेशल दही भले हैं, तो ज़रूर इसको ट्राई करें आप लोग। यहाँ पे देखें मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और इसके ऊपर मैंने फिर दोबारा से ककम्बर ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने अनियन भी ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसके ऊपर से हम दोबारा से जो दही है ना वो थोड़ी सी फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया हुआ है यहाँ पर ये चाट मसाला, वो ऐड करेंगे, ठीक है, टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पे हमने इसको सर्व कर दिया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अपने प्यारों के साथ बना के खुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं, और दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।